सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9, अच्छा काम। बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था और पाठ से संबंधित कठिन शब्द भी कर लिए थे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा और कल हमने उसे दोहराया भी था। तो बच्चों, कल हमने किया था अभ्यास कार्य जिसमें हमने किया था मौखिक प्रश्न और शब्दार्थ। बच्चों, आगे पाठ करने से पहले हम शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों को पहले दोहरा लेते हैं, फिर आज इस पाठ का आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, शब्दार्थ, शब्द अर्थ और मुहावरे, तो हम लिखेंगे शब्द, शब्दार्थ और मुहावरे। पहला शब्दार्थ है उपहार, उपहार। बच्चों, उपहार का मतलब है भेंट या तोहफा। बच्चों, जब भी हम किसी के यहाँ किसी फंक्शन में या फिर किसी के जन्मदिन पर या फिर हम किसी के शादी में जाते हैं तो उसके लिए उपहार या तोहफा लेकर जाते हैं। और आप भी अपना जन्मदिन मनाते होंगे, आपके जन्मदिन पर भी जो भी आते हैं वह आपके लिए तोहफा लेकर आते हैं। तो यहाँ उपहार का मतलब भेंट या तोहफा। तोहफा, भेंट या तोहफा। उसके बाद बच्चों, अगला शब्दार्थ है शाखा। शाखा यानी पेड़ की डाली, शाखा यानी पेड़ की डाली जिसमें पत्ते और फल उगते हैं। डाली, पेड़ की डाली जिसमें पत्ते और फल निकलते हैं, पेड़ का वह भाग जिसमें पत्ते और फल निकलते हैं। उसके बाद बच्चों, अगला शब्द है हाफते, हाफते। तीसरा शब्द है हाफते, हाफते, हाफते। बच्चों, कभी आप अगर स्कूल से घर लौटते हो तो अक्सर क्या होता है, अगर आपका घर आसपास होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ मुकाबला करते हो कि कौन जल्दी घर पहुंचेगा, तो आप लोग दौड़ के आते हो या जल्दी चल करके आते हो। तो क्या होता है, तेज चलने या दौड़ने की वजह से हमारी सांस तेज तेज चलती है, जिसकी वजह से हमारी जो सांस तेज चलना है उसे हम हाँफना कहते हैं, उसकी वजह से हम हाँफने लगते हैं। तो यहाँ पे तेज चलने या दौड़ने की वजह से सांसों का तेज होना हाँफना कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँफते। हाँफते, दौड़ने, दौड़ने, दौड़ने या तेज चलने, चलने के कारण, कारण सांस तेज, तेज चलना, सांस तेज चलना। जब भी हम तेज चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं, उसे हम हाँफना कहते हैं। उसके बाद चौथा शब्द हमारे पास है, चौथा शब्द बच्चों हमारे पास है हट। हट का मतलब जिद, हट का मतलब जिद, ज के नीचे बिंदी, जिद, किसी चीज के लिए जिद करना हट कहलाता है। उसके बाद हम बच्चे, स्पेशली जब आप बच्चे कुछ आपको पसंद आ जाता है या किसी और के पास कोई नई चीज़ देखते हैं तो अक्सर अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं। जिद का मतलब हट करना। उसके बाद बहलाना,
और जब आप हट करते हैं तो आपके पेरेंट्स जब वो चीज़ नहीं ला के दे सकते आपको, तो आप से दूसरी दूसरी बातें करके आपका मन वहाँ से भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको दूसरी बातों में लगाने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं बातों में लगाना, लगाना या बातों में लगाना या बहलाना। तो बातों में लगाना या बहलाना का मतलब है, अगर आप जब भी किसी चीज़ के लिए जिद करते हो तो आपको उस चीज़ से हटाना या फिर आपको को किसी और बात में लगाकर आपका मन बहलाने को हम बातों में उलझाना या लगाना कहते हैं। उसके बाद बच्चों यह थे शब्द अर्थ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। कल हमने मौखिक प्रश्न किया था और यहाँ पे पाठ में मौखिक प्रश्न दिया है, लेकिन इन प्रश्नों को हम अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसे लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। कल हमने इसे पढ़कर इसका अभ्यास किया था, आज हम इन्हें लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम इनको लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है बच्चों, बंदर से सभी क्या कहते थे। बंदर से सभी क्या कहते थे। बंदर से सभी क्या कहते थे। उत्तर है, बंदर से सभी कुछ अच्छा काम करने को कहते थे। बच्चों बंदर से सभी क्या कहते थे। बंदर से सभी कुछ अच्छा काम करने को कहते थे। बंदर से सभी कुछ अच्छा काम करने को कहते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी। ख, बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी। बच्चों बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी। बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो हम यहां लिखेंगे उत्तर, बंदर ने फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी।
बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न था, बंदर से सभी क्या कहते थे। बंदर से सभी कुछ अच्छा काम करने को कहते थे। बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो यह था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। बच्चों तीसरा प्रश्न है बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? प्रश्न ग, बंदर के हाथ से अमरूद अमरूद क्यों गिर गया? बच्चों उत्तर है, बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के रखवाले बाघ के रखवाले खवाले बाघ के रखवाले को देखकर घबराहट में गिर गया। बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के रखवाले को देखकर घबराहट में गिर गया। तो बच्चों जब बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने दो अमरूद तोड़े, जैसे ही उसने बाघ के रखवाले को देखा घबराहट में उसके हाथ से दोनों अमरूद नीचे गिर गया और वह वहां से भाग गया। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न ग। अब हम लिखेंगे प्रश्न घ। बच्चों घ में है हमारे पास, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। बंदर ने चारपाई बंदर ने झोपड़ी झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बच्चों बंदर ने उत्तर है, बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार
बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न घ। तो बच्चों प्रश्न घ था, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा। बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। बच्चों प्रश्न चार है, बंदर ने झोपड़ी के पास चार पाई पर एक बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। तो बच्चों इस प्रकार हमने मौखिक प्रश्न खत्म कर लिए। अब हम पढ़ेंगे आगे का अभ्यास। बच्चों आगे हमारे पास हमारा अगला प्रश्न है लिखित। हमारा अगला प्रश्न है लिखित। तो बच्चों लिखित में हम पढ़ेंगे सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। बच्चों सही उत्तर के सामने सही का या टिक का निशान लगाओ। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, पहला प्रश्न है क। तो चलिए पहले हम इसे मिटाते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो अब हम करेंगे सही उत्तर के आगे टिक लगाओ। यहाँ पे प्रश्न एक लिखित, हमारा अगला प्रश्न है लिखित। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास पहला प्रश्न है सही उत्तर के आगे आगे टिक लगाओ। तो बच्चों यहां पे हमारा पहला प्रश्न है क। बंदर कैसा था। बंदर कैसा था। तो बच्चों बंदर पहला, हमारे पास तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला है शरारती, दूसरा है हठी, तीसरा है भोला। तो बच्चों बंदर पहले ऑप्शन में है शरारती, दूसरा है भोला, तीसरा है हठी। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा है, क्या आप बताएंगे बंदर कैसा था। बंदर शरारती था। आप पहले विकल्प शरारती के आगे टिक का निशान लगाएंगे। आप यहाँ पे टिक का निशान लगाएंगे। बंदर कैसा था, बंदर शरारती था। तो पहला विकल्प सही है, इसलिए आप पहले विकल्प के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बंदर का दोस्त कौन था, गिलहरी, खरगोश या कुत्ता। बंदर का दोस्त कौन था। पहला विकल्प है खरगोश, खरगोश, गिलहरी, कुत्ता। बंदर का दोस्त
कौन था बच्चों? आपने पाठ को पढ़ा है और समझा भी है। बंदर का दोस्त कौन था? खरगोश, गिलहरी या कुत्ता? हमारा उत्तर है खरगोश। तो हम पहले विकल्प खरगोश के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद है ग। ग में हमारे पास है बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चा क्या खाना चाहता चाहता था? बच्चा क्या खाना चाहता था? पहला विकल्प है खाना, रोटी। दूसरा है मिठाई। तीसरा विकल्प है फल। तीसरा विकल्प है फल। बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चा रोटी खाना चाहता था, मिठाई खाना चाहता था या फल खाना चाहता था? तो बच्चों यहाँ पे हमारा रोटी खाना चाहता था, मिठाई खाना चाहता था या फल खाना चाहता था? तो बच्चा जैसा कि हमने पाठ में देखा, बच्चा फल खाना चाहता था, इसलिए हम फल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। बच्चा फल खाना चाहता था, इसलिए हम फल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न, एक लिखित में सही उत्तर के आगे सही लगाओ या टिक लगाओ। बंदर कैसा था? शरारती, भोला, हठी। बंदर शरारती था, इसलिए हम शरारती के आगे टिक का निशान लगाएंगे। बंदर का दोस्त कौन था? खरगोश, गिलहरी या कुत्ता? तो उत्तर है खरगोश, इसलिए हम खरगोश के आगे टिक का निशान लगाएंगे। बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चा रोटी, मिठाई या फल? बच्चा फल खाना चाहता था, इसलिए हम फल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न एक लिखित। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न एक लिखित में ही अगला प्रश्न है, घ बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? बंदर घ बंदर बच्चे के लिए लिए क्या लाया? बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? तो विकल्प है हमारे पास, पहला विकल्प है सेब, अमरूद या अनार। सेब, अमरूद या अनार। सेब, अमरूद या अनार। तो बच्चों बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? सेब, अमरूद या अनार? बच्चा बंदर बच्चे के लिए सेब लाया था, इसलिए हम सेब के आगे टिक का निशान लगाएंगे। बंदर बच्चे के लिए सेब लाया था, इसलिए हम सेब के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा पहला प्रश्न लिखित सही उत्तर के आगे टिक लगाओ से हमने कर लिया। अब हम करेंगे अगला प्रश्न जो कि भाषा से है। बच्चों जैसा कि हम हर पाठ में पढ़ते हैं, भाषा से कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें हम पढ़ो और समझो, पढ़ो समझो और लिखो या पढ़ो और समझो जैसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है पढ़ो और समझो। क ड, यहाँ पे हम र का प्रयोग पढ़ेंगे और ढ का प्रयोग पढ़ेंगे।
ढ, पेड़, फिर उसके बाद बूढ़ी। तो हम चलिए इन शब्दों का प्रयोग पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भाषा से, जिसमें हम ड और ढ का प्रयोग पढ़ेंगे। ड और ढ का प्रयोग। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है भाषा से, भाषा से पढ़ो, एक पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो में बच्चों क है हमारे पास अड़, और दूसरा है ढ, अढ़व, इसको हम ढ कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इन शब्दों का हम प्रयोग पढ़ेंगे। कुछ शब्द हमने पाठ में भी पढ़े थे और उन्हीं शब्दों को लेकर, और कुछ बाहर से अलग से भी उदाहरण लेकर हम इनका यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारे पास पहला जो शब्द है वो है ड से पेड़, और जैसा कि हम जानते हैं ड से कोई शब्द नहीं होता, लेकिन ड शब्द के बीच में या आखिरी में आकर के शब्द बनाता है। ड अक्षर से कोई शब्द नहीं होता, लेकिन वह शब्द के बीच में या आखिरी में आकर के शब्द, नए शब्द बनाता है। तो हमने पहला शब्द लिखा वो है पेड़, पेड़। जब हम ड बोलते हैं तो यहाँ पे भी अ का स्वर अलग से हमें सुनाई देता है, पेड़, पेड़। फिर है झोपड़ी, झोपड़ी। फिर हमारे पास है उखाड़, ख पे आ की मात्रा, उखाड़। फिर है दौड़ा। फिर है एड़ी, यह है एड़ी। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग, में हमने ड का प्रयोग किया है और ड के प्रयोग को समझा। आप जो भी शब्द यहाँ देख रहे हैं सब में ड या तो बीच में आया है या शब्द के आखिर में आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ड है यह एक व्यंजन है, लेकिन यह शब्द कोई शब्द नहीं बनाता, मतलब शब्द के शुरू में आप इसे नहीं देखेंगे, लेकिन यह शब्द के आखिर में आकर के या बीच में आकर के नए शब्द बनाता है। तो हम पढ़ेंगे ड, पेड़, झोपड़ी। इसीलिए बच्चों हम पढ़ते हैं ड मने कुछ नहीं, अड मने कुछ नहीं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं अड, और अड मने कुछ नहीं। पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़, एड़ी, ड पेड़, ड पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़ा, एड़ी। तो बच्चों हम ड माने कुछ नहीं का अर्थ है कि ड से कोई शब्द नहीं होता, हम ड से किसी शब्द का नहीं शुरू होता, लेकिन ड को हम आखिर में या बीच में भी इसका प्रयोग करके नए शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने ड का प्रयोग सीखा और समझा। उसके बाद हमारे पास ढ, अढ़ का भी कुछ ऐसा ही प्रयोग है। अढ़ मीन्स भी कोई शब्द नहीं होता, अढ़ से भी कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन इन शब्दों को हम शब्द के बीच में या आखिर में इनका प्रयोग करके नए शब्द बनाते हैं। तो बच्चों जैसे कि होता है बूढ़ी, पढ़, उसके बाद बुढ़िया, यहाँ पे हम लिखेंगे पढ़, बूढ़ी, बुढ़िया,
बुढ़िया बुढ़िया चढ़ना चढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो बच्चों इस तरह से हमने ढ से भी शब्द बनाया। ढ से भी कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन इस ढ को हम शब्द के बीच में या आखिर में इसका प्रयोग करके नए नए शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों यह था ढ और ढ का प्रयोग। यहाँ पे हमने ढ और ढ को प्रयोग करके नए नए शब्द बनाए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया ढ पेड़ झोपड़ी उखाड़ दौड़ा इन। उसी तरह ढ को यूज प्रयोग करके ढ पढ़ बूढ़ी बुढ़िया चढ़ना पढ़ना हमने कुछ शब्द बनाए और इस प्रकार हमने ढ और ढ के प्रयोग को सीखा। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है ख। ख में हमारे पास है बूढ़ा बुढ़िया बच्चा बच्ची। यहाँ पे हमने इन शब्दों में हमने क्या किया है बच्चों, आप इन्हें पढ़ो और समझो। हमने इन शब्दों के लिंग बदले हैं। बूढ़ा को बुढ़िया बनाया है, जैसा कि हमने लिंग जब पढ़ा था व्याकरण में तब भी देखा था कि हमारे पास दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक औरत दूसरा आदमी, जिसे हम स्त्रीलिंग और पुलिंग कहते हैं। तो लिंग का मतलब होता है बच्चों वह शब्द जिनसे हमें किसी के भी स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। यहाँ पे हमें स्त्री या लिंग पुरुष करके या लिंग करके नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन्हें पढ़ करके समझना है। तो हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम इन शब्दों को पढ़ करके समझेंगे, हमको समझ में आता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग और पुलिंग है, मतलब यह लिंग शब्द है जिसमें हम जिन्हें हम एक लिंग से दूसरे लिंग में बदल रहे हैं। तो बूढ़ा का बुढ़िया, फिर दादी का दादा, बच्चा का बच्ची और बालक का बालिका। तो बच्चों हम लिंग को अपने अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।